हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर। अब इसमें यहाँ पर कुछ ऑलरेडी हमने यहाँ बनाया हुआ है एक टेबल जैसा, तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर। पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर भी क्या है, आपके इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का ही एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ मैप किया जाता है, जैसे अभी तक के हमने बाकी के इंक्रिप्शन टेक्निक में देखा। यानी कि इसमें भी हमको क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन करना होता है ना, यानी कि मैप कर देना होता है एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ। बट पॉली अल्फ़ाबेटिक में क्या होता है कि हमारे प्लेन टेक्स्ट में अगर कोई दो कैरेक्टर सेम है, जैसे हमारे प्लेन टेक्स्ट में ए दो बार आ गया या सी दो बार आया या डी तीन बार या चार बार आ गया, तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि हर बार डी किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ ही रिप्लेस होगा। हो सकता है कि डी हर बार एक्स के साथ रिप्लेस हो, या ये भी हो सकता है कि पहली बार डी एक्स के साथ रिप्लेस हो, दूसरी बार एम के साथ रिप्लेस हो और तीसरी बार वाई के साथ रिप्लेस हो। यानी कि डी कब किस कैरेक्टर के साथ, अगर तीन बार अवेलेबल है तो तीनों टाइम्स वो तीन अलग अलग कैरेक्टर के साथ रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो पॉली अल्फ़ाबेटिक में क्या होता है इसके बारे में हम लिखें, तो क्या होगा, इट इज अ मेथड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, और क्या होता है, तो इन इट अ प्लेन टेक्स्ट अ कैरेक्टर्स अवेलेबल इन प्लेन टेक्स्ट इज मैप्ड विथ अनदर कैरेक्टर इन अल्फाबेट्स। क्या होगा, इसमें जो प्लेन टेक्स्ट में कैरेक्टर्स होंगे वो मैप हो जाएगा किसी अनदर कैरेक्टर इन अल्फ़ाबेट। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि देयर इज ए चांस इफ सेम कैरेक्टर इज अवेलेबल मेनी टाइम्स इन प्लेन टेक्स्ट है ना। If there is a chance, same character is available many times in a plain text, maybe replaced with either same character or different characters, है ना? क्या होता है, there is a chance if same character is available many times in plain text may be replaced with either same character or different characters in characters from alphabet, है ना, and to generate cipher text, ठीक है। तो ये था हमारा पॉली अल्फ़ाबेटिक
साइफर के बारे में। एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, जैसे हमने एक प्लेन टेक्स्ट ले लिया पटना, PATNA, तो हो सकता है कि इसमें जो ए दो बार आया है, पहली बार ए रिप्लेस हो एम के साथ और दूसरी बार रिप्लेस हो एक्स के साथ, है ना, या फिर दोनों बार एम के साथ। ये डिपेंड करेगा हमारे किस पर, की पर, है ना, द रिप्लेसमेंट, द रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स इन प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, PTN तो रिप्लेस होगा ही रिप्लेस होगा, ये तीनों कैरेक्टर भी किसी अदर कैरेक्टर के साथ रिप्लेस होगा, बट ए यहाँ पर दो बार आया है तो दोनों बार हो सकता है कि सेम कैरेक्टर के साथ रिप्लेस हो या फिर डिफरेंट कैरेक्टर के साथ रिप्लेस हो। ठीक है, तो ये होता है पॉली अल्फाबेटिक साइफर। अब इसमें देयर आर थ्री मेथड्स इन इट, तीन मेथड इसमें अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है विजनेर साइफर। ठीक है, दूसरा जो इसमें मेथड है वो है वर्नम साइफर, और तीसरा जो मेथड है इसमें है वन टाइम पैड। ठीक है, तो ये तीन तरह का हमारे पास साइफर का टेक इसमें पॉली अल्फाबेटिक में हम लोग पढ़ेंगे, विजनेयर, वर्नम एंड वन टाइम पैड, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो होगा वो पूरा का पूरा इस विजनेयर साइफर पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, अभी वो टेबल नहीं भी बनाइएगा तो कोई बात नहीं, अगर बना लेते हैं तो ठीक है, पॉज करके बना लीजिएगा, बट अभी हम उसको बताएंगे कि उसको कैसे बनाना है और वो क्यों बनाए हैं, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो इधर वाला तो आप टर्म लिख ही लीजिए, ये वाला है ना, पॉज करके इधर हम इरेज करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो पहला टॉपिक था, जो पहला पार्ट था वो क्या था आपका, विजनेयर साइफर, VIZENERE, विजनेयर साइफर। ठीक है, तो विजनेयर साइफर पॉली अल्फाबेटिक साइफर का ही पार्ट है, तो क्या होगा इसमें भी, हम इसमें वही सेम चीज़ अप्लाई होगा, यानी कि कैरेक्टर्स मैप होंगे किसी अनदर कैरेक्टर के साथ। तो अब इसमें विजनेयर साइफर में भी दो मेथड हैं, है ना, There are two methods in it, है ना। पहला मेथड में हमारा क्या होता है, टेबल फर्स्ट, तो हम सबसे पहले आज पहले मेथड वन देखते हैं। मेथड वन में क्या होता है कि मेथड वन में हम एक टेबल यूज करते हैं, There is a table of 26 cross 26 is used, है ना, there is a table of 26 cross 26 is used। हमारा क्या होता है, एक टेबल यूज होगा 26 cross 26 का, तो ये जो हम बगल में बनाए हैं यही वो टेबल है
26 क्रॉस 26 क्यों है? क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो इसीलिए यहाँ 26। अब ये टेबल बना कैसे है? तो इसमें सबसे पहले ये टेबल है, इसमें जो फर्स्ट रो देखिएगा, ऊपर वाला रो है ना, ऊपर वाले रो में हमने ए बी सी डी लिखा हुआ है जेड तक। देखिएगा ऊपर वाले रो में यहाँ से है ना ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा की को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा किसको प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन टेक्स्ट को, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी का जो फर्स्ट कॉलम है इधर देखिएगा, तो ये फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है? तो ये हमारा की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ए बी सी डी, वही है ए बी सी डी। अब इसके बाद ये यहाँ बीच में ये वाला है हमारा, इस फर्स्ट वाला छोड़कर, ऊपर वाला टॉप वाला रो छोड़कर, वो तो की और प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीच में ये जो है, ये है 26 क्रॉस 26 का, है ना, ये वाला काउंट नहीं करना, ये तो सिर्फ हम रिप्रेजेंट किए हैं कि इधर ये वाला जो वैल्यू है की को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला जो वैल्यू है वो प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको छोड़कर, क्योंकि उसको काउंट कीजिएगा तो फिर 27 क्रॉस 27 हो जाएगा, तो उसको काउंट नहीं करना। बाकी ये पहला और ये इधर का पहला छोड़कर इसको सिर्फ काउंट कीजिएगा, ठीक है, इधर तो ये 26 क्रॉस 26 का आपका मैट्रिक्स बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। इस टेबल में जो कैरेक्टर्स फिल किए गए हैं वो कैसे फिल किए गए हैं, तो यहाँ देखिए, जब यहाँ पहला कैरेक्टर ए है तो यहाँ ए से स्टार्ट किया गया है, ए से स्टार्ट करते हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक यहाँ इनपुट किया हुआ है। दूसरे कॉल रो में आइए, यहाँ पर बी है तो बी से शुरू हुआ, फिर बी सी डी ई एफ जी एच इसी तरह करते हुए आइएगा एक्स वाई जेड, लास्ट में एक कैरेक्टर कम पड़ेगा तो हम वापस राउंड घूमेंगे और ए को यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है, ए को वहाँ फिल करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में आइएगा तो सी से शुरू हो रहा है, देखिए सी डी ई एफ जी एच और कहाँ तक आएगा, जेड तक आएगा, उसके फिर ए और बी, ठीक है। आप ऊपर से भी नीचे फिल कर सकते हैं, ऊपर से भी कीजिएगा तो वही सेम रूल, ए है तो यहाँ ए से स्टार्ट होगा, ए से लेकर जेड, बी है तो बी से स्टार्ट होगा, तो बी सी डी ई एफ जी एस जेड तक और जेड के बाद ए। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड में जाइएगा तो सी से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ सी है, और सी से स्टार्ट होकर कहाँ तक आएगा, जेड तक आएगा और फिर ए और बी। इसी तरह डी से शुरू होगा, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए बी सी, ठीक है, तो समझ में आ गया। इसी तरह आप इसको फिल कीजिएगा तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा। अब आप पाउज करके इसको देख कर भी टेबल बना सकते हैं, या ऑटो में अपने से भी टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। करना क्या है आपको, पहले ऊपर में ए से लेकर जेड तक लिख लेना है ना, और फिर साइड में ए से लेकर जेड तक लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है ना, ये यहाँ से और यहाँ से, उसके बाद ये फिर बनेगा 26 क्रॉस 26 का ये मैट्रिक्स। और इसमें फिल कैसे करना है, अगर यहाँ ए है तो यहाँ से ए शुरू कीजिएगा और जेड तक, और अगर कम पड़ेगा तो फिर ए से शुरू कर लेना है इसी तरह, या फिर कॉलम में भर रहे हैं पहले तो कॉलम में, यहाँ अगर ऊपर में ए है तो ए से ही शुरू होगा, बी है तो बी से शुरू होगा, अगर यहाँ जैसे देखिए क्यू है तो क्यू से शुरू कीजिए, तो क्यू आर एस टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए जेड हो गया, फिर ए बी सी डी फिर करते हुए ई तक, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे टेबल को फिल कर लेंगे विथ 26 कैरेक्टर्स अवेलेबल इन आवर अल्फ़ाबेट। अब यूज कैसे करेंगे इसको, ठीक है, इस टेबल को यूज कैसे करेंगे इन इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, है ना, मेथड वन में हम कैसे इसको यूज करते हैं वो देखिए। तो आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, एक आपके पास होगा क्या कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, आपके पास क्या होगा, एक प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट कुछ भी ले सकते हैं, जैसे प्लेन टेक्स्ट हम ले लेते हैं यही ले लेते हैं, पोली अल्फाबेटिक साइफर ही ले लेते हैं प्लेन टेक्स्ट, पी ओ एल वाई ए एल पी एच ए बी ई टी आई सी, पोली अल्फाबेटिक है ना, और साइफर सी आई पी एच ई आर, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट हो गया। और हमारा की क्या है, तो की हम ले लेते हैं, कोई भी की ले सकते हैं, कोई भी वर्ड को यूज आप कर सकते हैं की में। तो जैसे हम
वर्ड यूज कर रहे हैं, सपोज हमने एक वर्ड यूज किया जनरल, है ना, की में हमारा क्या है जनरल, जी ई एन ई आर ए एल, ऐसी हमने एक वर्ड ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं, आप पर है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखिए, तो इसके लिए आप एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स में यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट फिल करेंगे हम लोग, प्लेन टेक्स्ट में क्या है हमारे पास, तो पी ओ एल वाई पॉली ए एल पी, ठीक है, पॉली ए एल पी एच ए अल्फा बी ई टी आई सी पॉली अल्फाबेटिक सी आई पी एच ई आर, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया ना, पॉली अल्फाबेटिक साइफर, ये प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पी और ये पी सेम हो जा रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अब हमारा क्या करना है, इसके जस्ट नीचे हमको की लिखना है, की फिल करना है, इसके नीचे हमको क्या फिल करना है, की फिल करना है, इसी टेबल में हम आपको डिस्क्रिप्शन भी समझा देंगे, है ना। तो की फिल कीजिएगा, तो की कैसे फिल करना है ये देखिए, अब जो की का साइज है वो हमारे प्लेन टेक्स्ट से छोटा है, तो आपको फिल कैसे करना है, रिपीट कर देना है की को दोबारा, तो जैसे यहाँ पर हम प्रेस जी ई एन ई आर ए एल जनरल हमने लिख लिया, अब हमारा की कम पड़ गया, बाकी के कैरेक्टर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम जनरल को वापस से रिपीट करेंगे, तो फिर से यहाँ रिपीट हो जाएगा जी ई एन ई आर ए एल जनरल, फिर से हम वापस से रिपीट करेंगे जी ई एन ई आर ए, अब एल के लिए है ही नहीं कैरेक्टर तो हम छोड़ देंगे, तो इस तरह से हमने क्या किया, की को अपने पहले प्लेन टेक्स्ट लिखा, उसी के रेस्पेक्टिव नीचे हमने की को भी लिख लिया, अब हमको क्या जनरेट करना है, साइफर टेक्स्ट जनरेट क्या करना है, साइफर टेक्स्ट, है ना, साइफर टेक्स्ट हमको जनरेट करना है। अब ये साइफर टेक्स्ट जनरेट करने के लिए हम लोग ये जो बगल में हमने टेबल बनाया है, इस टेबल का यूज करेंगे। अभी टेबल का यूज कैसे करना है ये देखिए, तो सबसे पहले आपके पास जो ऊपर वाला रो है, सबसे टॉप में जो हम लिखे थे, वो प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और की वाला उधर लेफ्ट, एकदम लेफ्ट मोस्ट जो हमारा कॉलम है, उस कॉलम में हमने जो एबीसीडी लिखा है वो की को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आप या तो प्लेन टेक्स्ट से उठा लीजिए कैरेक्टर और की के, तो पहले हम ये पी और जी ये वाला, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ साइफर टेक्स्ट क्या होगा ये देखना चाहते हैं, तो हमारा प्लेन टेक्स्ट में है पी, तो पी हमारा प्लेन टेक्स्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए ये वाला हमारा पी है, ठीक, और की हमारा क्या है जी, तो की में हमारा कहाँ है, यहाँ है जी, ठीक है, ये दिख रहा है ना, यहाँ जी, और हम दोनों कैरेक्टर को एक साथ दिखाते हैं आपको, यहाँ पी है यहाँ जी है, पहला यहाँ पर देखिएगा पी और जी, ये पी और ये जी, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ये दोनों पी जी हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी हमारा कॉलम, ठीक है, तो जी वाला रो और पी वाला कॉलम जिस कैरेक्टर के पास इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस कैरेक्टर को हम साइफर टेक्स्ट में लिखेंगे। तो हम देखते हैं ये पी वाला कॉलम है ना, ये पी वाला कॉलम है और जी वाला कॉलम हमारा ये है, तो ये जी वाला कॉलम में हम आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ से जी स्टार्ट हुआ की का वैल्यू, और ये बढ़ रहे हैं, हम कहाँ तक बढ़ेंगे, तो पी कॉलम तक बढ़ेंगे, तो पी कॉलम है यहाँ देखिए इस लोकेशन पर, ठीक है, ये वाला जो हमारा भी मिला ये देखिए, इधर से जी की वाला वैल्यू और इधर से पी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि ये जो भी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट। समझ में आया कैसे हुआ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सारे फिल करते करते आपको समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट देखिएगा ओ और ई, तो ओ कहाँ है, ये रहा ओ, हमारा प्लेन टेक्स्ट में ढूंढना है ना,
तो ओ यहाँ रहा और ई हमारा हमारा किस में, की में हो जाएगा। तो की में ई यहाँ है ठीक है, और ओ यहाँ है, तो इनका इंटरसेक्शन। तो ई में हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, ये बढ़ते हुए यहाँ आए, तो यहाँ देखिए यहाँ पर है हमारा जो, तो ये नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमको ठीक है, क्योंकि इधर से ओ और इधर से ई, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है पर है जो हमारा वैल्यू कैरेक्टर है वो है एस। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखिए एल और एन, एल और एन को देखते हैं। तो एल है यहाँ पर ये लोकेशन, और एन कहाँ है, तो एन यहाँ है देखिए, है ना, एन और एल इनका इंटरसेक्शन। तो ये आगे बढ़ेंगे हम एन में, कहाँ तक बढ़ेंगे, एल कॉलम तक बढ़ेंगे। एल कॉलम ये रहा, ये नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए वाई, तो यहाँ पर क्या आया है आपके पास, जो कैरेक्टर है वो है आपके पास, यहाँ दिख रहा है ना कि कौन सा कैरेक्टर है, वाई। इंटरसेक्शन इधर से एन और इधर से एल का इंटरसेक्शन वाई पर हो रहा है, जिस जगह हो रहा है वहाँ वाई कैरेक्टर है, सो यहाँ पर वाई फिल होगा। इसी तरह फिल करते जाइए, वाई और ई का फिल कीजिएगा, तो वाई का यहाँ और ई, ई कहाँ पर आएगा, तो इस ए लाइन में आएगा, यहाँ देखिए यहाँ से है ई, इस लाइन में आइएगा तो वाई कहाँ आएगा, यहाँ सी पर, ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो गया, साइफर टेक्स्ट हो गया ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर साइफर टेक्स्ट हमारा क्या हुआ, सी। फिर ए और आर का देखिए, ए और आर, तो ए कहाँ है, तो ए हमारा प्लेन टेक्स्ट में, तो पहला ही कॉलम है, यहाँ देखिए पहला कॉलम ए, और आर हमको देखना है आर की में, तो आर यहाँ है की में, तो आर और ए का हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो आर पर ही होगा, आर वैल्यू पर। तो हमारा जो इसका साइफर टेक्स्ट निकलेगा वो आर निकल जाएगा। एल और ए की, हमको प्लेन टेक्स्ट में एल और की में ए, तो एल और ए का जो इंटरसेक्शन होगा वो एल पर ही हो जाएगा, तो हमारा यहाँ जो हो जाएगा वो एल हो जाएगा। पी एल, प्लेन टेक्स्ट में पी और की में एल, तो की में एल देखिएगा, तो एल यहाँ से चलिएगा कहाँ तक जाना है, तो प्लेन टेक्स्ट पी तक, ये रहा पी, पी वाला कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ए, है ना, ये देखिए यहाँ पर आइएगा तो उधर से देखिए एल है और इधर से हमारा ऊपर से पी, तो ये ए पर है ठीक है। फिर एच, प्लेन टेक्स्ट में एच यहाँ पर है, ये वाला कॉलम है एच, और की में जी, तो की में जी यानी कि ये वाला, तो ये जी वाला जो आएगा आपका रो यहाँ, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है एन पर, तो यहाँ एन प्यूट होगा। फिर ए और ई, तो प्लेन टेक्स्ट में ए ऊपर में है और ई यहाँ ई पर ही इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ हो जाएगा ई। फिर बी और एन, तो बी हमारा प्लेन टेक्स्ट में सेकेंड कॉलम में है, ये रहा बी, और एन की का, तो की का एन हमारा आ जाएगा यहाँ, तो एन और बी का इंटरसेक्शन हो रहा है ओ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ। फिर ई और ई, इंटरसेक्शन ई प्लेन टेक्स्ट और इधर से भी ई, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है आई पर, यहाँ क्या हो जाएगा आई। और इसके बाद आपके पास क्या है, टी आर, तो टी इधर से ले लीजिए, टी यहाँ, और आर, आर कहाँ से, उधर से उधर आएगा ना की से, तो की से आर, ये वाला रो है कहाँ तक जाना है, टी तक, तो यहाँ आएगा देखिए, यहाँ आएगा के पर ठीक है, के पर आएगा आई ए, आई हमारा प्लेन टेक्स्ट और ए, तो आई पर ही इंटरसेक्ट हो जाएगा। सी एल, सी हमारा प्लेन टेक्स्ट में ऊपर है और एल यहाँ की में, तो एल हमारा कहाँ है, ये रहा एल, और सी का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, एन पर ठीक है। सी और जी, प्लेन टेक्स्ट में सी और इसमें से जी, तो यहाँ आई पर है ना, आई पर ठीक है। आई और ई, प्लेन टेक्स्ट में आई और इधर से की से ई, तो की से ई आया यहाँ एम पर, एम। इसी तरह पी एन, पी प्लेन टेक्स्ट में पी वहाँ है ऊपर और एन इधर से आएगा, तो एन यहाँ है, तो एन से हमको आना है पी तक, पी तक ठीक है, एन में ही आ रहे हैं हम, ये रहा यहाँ सी पर, देखिए यहाँ पर पी आ रहा है, पी यहाँ ठीक है, तो यहाँ आ गया और उधर से एन, तो यहाँ आ गया ये सी पर। फिर एच और ई, एच इधर से ले लीजिए और ई इधर से आएगा की में, तो ई यहाँ पर कहाँ, यहाँ, तो ये एच में,
एच में है यहाँ एल, एल पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा एल। इसी तरह ई आर, ई का यहाँ है और आर 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 यहाँ देखिए आर से और ई में जाना है तो ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है भी, ये इधर से आर और इधर से ई नीचे आइएगा सीधा तो यहाँ भी पर हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास भी। और लास्ट बचा आर ए, प्लेन टेस्ट में आर और उधर से ए तो ये आर पर ही इंटरसेक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर। तो इस तरह से हमारा जो साइफर टेक्स्ट बना प्लेन टेक्स्ट था, साइफर टेक्स्ट हमारा क्या जनरेट हुआ भी एस वाई सी आर है ना एल ए एन ई ठीक है ओ आई के आई एन आई एम सी एल वी आर, ये हमारा क्या बना साइफर टेक्स्ट। समझ में आ गया। अब क्या करना है हमको इस साइफर टेक्स्ट से, ये तो इंक्रिप्शन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया हमारा इंक्रिप्शन प्रोसेस हुआ ठीक है इंक्रिप्शन। अब हमको क्या करना है डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन करने के लिए अब आपके पास ये साइफर टेक्स्ट होगा, अभी ऊपर वाला भूल जाइए कि आपके पास ऊपर में प्लेन टेक्स्ट वगैरह भी है ठीक है। अब आपके तो ये साइफर टेक्स्ट मिलेगा रिसीवर के पास और उसके पास ये की अवेलेबल होगा यानी की को हम वापस से यहाँ लिख लेगा, वो की को हम फिर से लिख रहे हैं तो फिर वैसी लिखेंगे जी ई एन ई आर ए एल जी ई एन ई आर ए एल जी ई एन ई आर ए। अब इससे उसको क्या फाइंड करना है प्लेन टेक्स्ट। तो आपके पास साइफर टेक्स्ट है और प्लेन टेक्स्ट है। साइफर टेक्स्ट किस में से लिखे थे हम लोग, इस टेबल में से लिखे थे और की हमारा कहाँ था लास्ट कॉलम और प्लेन टेक्स्ट था ऊपर, यही था ना। तो यही टेबल उसके पास भी होगा रिसीवर के पास रिसीवर एंड पर, तो वो क्या देखेगा उसके पास साइफर टेक्स्ट है यानी कि उसके पास जो वैल्यू है वो टेबल का वैल्यू है, की यानी कि लास्ट वाला कॉलम का वैल्यू है और उसको निकालना है प्लेन टेक्स्ट यानी कि फर्स्ट वाले रो में का वैल्यू फाइंड करना है। तो जस्ट अपोजिट करेगा कैसे, की ले लेगा जी तो की वाला ले लिया वैल्यू जी ठीक है ये पता है इसको। फिर नेक्स्ट क्या है साइफर टेक्स्ट पता है भी, तो जी वाले रो में वो भी को ढूंढेगा तो जी वाले रो में भी ढूंढते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से जी वाला रो चल रहा है ये और हम भी इसमें ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते हमको यहाँ आकर भी मिल गया। तो जैसी भी मिला तो इस भी के रेस्पेक्टिव कॉलम में सबसे ऊपर फर्स्ट रो में है ना, इस भी के रेस्पेक्टिव कॉलम के फर्स्ट रो में एकदम टॉप पर चले जाएंगे तो टॉप पर जो कैरेक्टर होगा दैट इज द प्लेन टेक्स्ट। तो भी के टॉप पर है पी तो यहाँ प्लेन टेक्स्ट क्या मिलेगा इसको पी। यहाँ फिर से ये प्लेन टेक्स्ट अब जनरेट कर रहा है ठीक है, यहाँ क्या मिला पी। इसी तरह दूसरे में आएगा ई और एस, तो पहले ई की वाला कॉलम जो है उसमें ई ढूंढेगा तो की वाले कॉलम में इसने ई ढूंढा यहाँ इसको मिल गया। अब ई ढूंढने के बाद इस ई वाले रो में एस को ढूंढेगा तो ई वाले रो में एस को ढूंढेगा तो एस कहाँ मिला यहाँ ठीक है, और इस एस के रेस्पेक्टिव में टॉप में जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर देखा कि ऊपर में क्या है ऊपर वाले सबसे फर्स्ट रो में कौन सा वैल्यू है तो फर्स्ट रो में जाएगा तो ओ मिलेगा तो यहाँ क्या इनपुट करेगा ओ। इसी तरह नेक्स्ट में आइए एन, की वाले कॉलम में एन ढूंढना है तो की वाले कॉलम में एन ढूंढा यहाँ पर मिल गया, और एन में वाई ढूंढना है तो एन वाले रो में वाई ढूंढेगा वाई यहाँ मिलेगा, और वाई ढूंढ लिया तो वाई वाले कॉलम में सबसे टॉप में जाएगा तो क्या मिल जाएगा एल, तो क्या मिला यहाँ पर एल। इसी तरह नेक्स्ट में आइए सी और ई, तो पहले की ढूंढना है ई, ई कहाँ है यहाँ इसका इसमें हमको ढूंढना क्या है भाई ई में सी तो सी ढूंढेगा तो ई में सी कहाँ पर इसको मिलेगा ये ऐसे आते हुए इसको सी मिला यहाँ यहाँ मिला सी। अब सी के ऊपर में जाएगा तो क्या है तो सी के ऊपर में वाई तो यहाँ पर क्या पुट होगा वाई। तो इसी तरह आप देखिए यहाँ तक पॉली मिल गया तो एज इट इज करते हुए इसको पूरा का पूरा साइफर टेक्स्ट यानी कि प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा पॉली। अब आप ये कर लीजिएगा देखिएगा सेम वैल्यू
आएगा। अगर नहीं आएगा तो यानी कि आपने कहीं गलत कोई मैप कर लिया होगा, ठीक है, यही सेम वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेथड वन में बाय यूजिंग दैट टेबल हम लोग क्या करते हैं, मैप करते हैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, आप समझ भी गए होंगे, अच्छे से हम समझाए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, तो पॉज करिए वीडियो को और लिखिए। नेक्स्ट अब आइए मेथड टू देखते हैं कि मेथड टू क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। मेथड टू में इस टेबल का ज़रूरत नहीं है, तो टेबल को भी आप इरेज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें मेथड टू में देखते हैं, मेथड वन इजी था, टेबल बस आपके पास होना चाहिए और आप आसानी से साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में और प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट है मेथड टू, मेथड टू जो है, इस मेथड टू में हमारा क्या होता है, फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आपका साइफर टेक्स्ट निकालने के लिए, सी ऑफ आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट में से की का वैल्यू घटाएंगे, है ना, पी ऑफ आई, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट ऑफ इंडेक्स आई दिखा रहा है, प्लस, है ना, इसमें क्या फॉर्मूला, प्लस के ऑफ आई, यानी कि वैसी आई एथ इंडेक्स के की का वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और मोड 26 करेंगे। ये हमारा इंक्रिप्शन के लिए यूज होगा, ठीक है। ये हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, फोर इनक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन के लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डिक्रिप्शन करने के लिए आप प्लेन टेक्स्ट निकालिएगा पी ऑफ आई, है ना, पी ऑफ आई मतलब आई एथ इंडेक्स का पी वैल्यू, प्लेन टेक्स्ट निकालना है हमको, और इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास सी ऑफ आई, उसी इंडेक्स के साइफर टेक्स्ट में से सेम इंडेक्स का की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर मोड 26 करेंगे। ये हमारा फोर डिक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सी हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ऑफ आई मतलब साइफर टेक्स्ट एट इंडेक्स आई, ठीक है, साइफर टेक्स्ट एट इंडेक्स आई, ठीक है। आप एरे पढ़े होंगे ना, तो उसमें इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है इंडेक्स आई, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, तो इसी तरह हमारे पास है पी आई, ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट एट इंडेक्स आई। फिर है हमारे पास के ऑफ आई, यानी की वैल्यू एट इंडेक्स आई, ठीक है। तो ये सारा तीन टर्म हमारा यूज हो रहा था, ये तीनों टर्म हम लिख लिए। अब सेम फॉर्मूला हमारा सीजर साइफर में भी यूज हुआ था, सीजर साइफर अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर भी पी प्लस के मोड 26 था और सी प्लस सी माइनस के मोड 26 था, बट वहाँ पर आई नहीं था, आई नहीं लगा हुआ था, तो वहाँ पर क्या था, जो की वैल्यू था वो फिक्स था, यानी कि अगर उसमें तीन, अगर पहले कैरेक्टर के लिए की अगर 3 है तो हर कैरेक्टर के लिए की का वैल्यू 3 होता है, मतलब सेम ऑर्डर में रिप्लेसमेंट होता है। जैसे पहला कैरेक्टर अगर थर्ड कैरेक्टर के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो बाकी के सभी कैरेक्टर अपने नेक्स्ट फर्दर थर्ड कैरेक्टर के साथ रिप्लेस होंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर बार क्या होगा कि जो कैरेक्टर रिप्लेस होंगे दूसरे कैरेक्टर के साथ, वो अलग अलग कैरेक्टर के साथ रिप्लेस होगा, वो फिक्स नहीं होगा, कभी 3 माइनस होगा, कभी 4 माइनस होगा डिक्रिप्शन में, और इनक्रिप्शन में कभी 3 ऐड होगा, कभी 4, कभी 10, ठीक है। तो
तो इसीलिए आई लिखा हुआ है कि यहाँ इंडेक्स को यूज करते हैं, एरे के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे होता है ये देखिए, तो यहाँ पर भी हमको एक प्लेन टेक्स्ट लेना होगा, प्लेन टेक्स्ट ले लिए, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट हमारा क्या है, तो प्लेन टेक्स्ट हम क्या ले लें, प्लेन टेक्स्ट में कोई भी हम वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम प्लेन टेक्स्ट में ले लेते हैं नॉलेज, नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज, और ठीक है, और साइफर टेक्स्ट हम ले लेते हैं, साइफर टेक्स्ट हम ले लेते हैं सिंपल सा काइट ले लेते हैं, काइट, ये हमारा क्या है साइफर टेक्स्ट। अभी साइफर टेक्स्ट का यूज करके हमको प्लेन सॉरी साइफर टेक्स्ट नहीं, ये की वैल्यू है, सॉरी ये हमने की लिया है, ठीक है, काइट। अभी काइट की का यूज करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना होगा, एक क्या कहते हैं एक टेबल की जानकारी होगी, वो ऑलरेडी टेबल मैंने पिछले लेक्चर में भी लिखा था, वो क्या था कि हर कैरेक्टर को हम मैप करेंगे किसी इंटीजर वैल्यू से, और वो कैसे मैप होगा, तो ए को जीरो, बी बिकम्स वन, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जीरो से स्टार्ट करेंगे, टू थ्री फोर, क्योंकि मोड 26 करना है ना, तो डिवाइड हम कैरेक्टर पर नहीं ना कर सकते, इंटीजर वैल्यू पर ही ना करेंगे डिवाइड, है ना, और रिमाइंडर निकालेंगे, तो इसलिए इंटीजर से मैप करना होगा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह हम यहाँ बॉक्स बनाते हैं, एक ही बार में हम दोनों आपको साइफर टेक्स्ट भी निकालने और फिर वापस से प्लेन टेक्स्ट निकालने भी सिखा देंगे। तो पहले प्लेन टेक्स्ट है ना, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या है हमारे पास ज़्यादा बड़ा इस बार हम नहीं लिए, के एन ओ, ठीक है, डब्ल्यू एल ई डी, ठीक है, एल ई डी जी और ई, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई और की, ठीक है, क्या हो जाएगा की हम ले लेंगे, की हमारा क्या हो जाएगा, तो की हम यही काइट को बार बार हम रिपीट करेंगे, के आई टी ई काइट, के आई टी ई काइट और लास्ट में के, समझ में आया, इस तरह से हमने क्या किया की को लिख लिया। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना होगा आपको, क्या करना है मैप भी करना है ना, मैप कर देना है, तो यहाँ पर हम की को ना लिखकर यहाँ पर हम सारे कैरेक्टर के मैप्ड वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू को लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ की लिखेंगे, तो की हमारा है के आई टी ई, फिर हो जाएगा के आई टी ई और के, की का भी मैपिंग करेंगे और प्लेन टेक्स्ट का भी मैपिंग करेंगे, तो के का वैल्यू क्या है, तो के का वैल्यू है 10, यहाँ देखिए के का वैल्यू है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, एन का वैल्यू आप अगर देखिएगा तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ हो जाएगा 13, ओ का 14, डब्ल्यू डब्ल्यू कहाँ गया 22, एल एल का है 11, ई ई 4, ठीक है, डी डी का 3, जी का 6 और ई का अगेन 4, इसी तरह की का करिए आप,
की का आप लिख सकते हैं खुद से भी, है ना, वही टेबल से देख देख कर लिखना है के का क्या है, तो के का तो वही सेम चीज़ है, से के का 10, आई 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 का 8, है ना, आई का 8, टी का, टी कहाँ गया, टी का 19, है ना, 19, और ई का 4, फिर यही चीज़ आ जाएगा 10, 8, 19, 4 और फिर 10, यही रिपीट होते रहेगा। अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में। तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी, फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला यूज करिए अब, है ना, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, फॉर्मूला क्या है, तो साइफर टेक्स्ट के लिए पी आई के आई, देखिए आई यहाँ इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स का ही के भी यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, पी है हमारे पास 10 + 10 मोड 26, तो 10 + 10 20 मोड 26, 20 मोड 26 किया तो टोटल 20 ही रिमाइंडर बच जाएगा, तो क्या हमारा बनेगा, वो बनेगा साइफर टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, तो साइफर टेक्स्ट में पहला जो डिजिट आया ये आ गया 20, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 20, है ना, 26 को अगर 20 को 26 से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड होगा नहीं ना, 20 ही रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह दूसरे में देखिएगा तो 8 और 3, है ना, ये दोनों ऐड होगा 13 और 8, तो 13 और 8 21, फिर से 21 ही रिमाइंडर में बच जाएगा। देन देखिएगा 19 और 14, 19 और 4 क्या हो जाएगा, 19 + 14, है ना, मोड 26, तो 4 9 4 13 9 4 13, 1 1 2 और 1 3, मोड 26, और 26 का टेबल देखिएगा तो 26, फिर दूसरा बार में हो जाएगा 6 6 12 2 2 4 और 1 5, 52, तो हम यहाँ 33 को जब डिवाइड करेंगे 26 से तो एक बार में जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर, 13 में से 6 गया तो कहता हूँ 7, है ना, 7 6 13 होता है और ये ख़त्म, तो क्या रिमाइंडर बच गया 7, तो यहाँ आ गया 7। इसी तरह देखिएगा इसका ये वाला वैल्यू, ये 4 है ये 22 है, तो 22 और 4 क्या हो जाएगा, 4 2 6 26, 26 को 26 से डिवाइड कीजिए तो पूरा पूरा कट के रिमाइंडर बचेगा 0, 11 और 10 21, तो रिमाइंडर बचेगा 21, 8 4 12, तो रिमाइंडर 12, 19 और 3 हो जाएगा आपका 22, तो 22 अभी भी 26 से छोटा ही है तो 22 हमारा पूरा रिमाइंडर ही बचेगा, 6 4 10 रिमाइंडर, 10 4 14 रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको मैप कर लीजिए कैरेक्टर के साथ, तो 20 का मैपिंग क्या है, तो 20 का मैपिंग देखिएगा तो U, यहाँ क्या मिला U, फिर है 21 का मैपिंग तो भी, 7 का सेवेंथ कैरेक्टर है हमारा H, 0 पर है A, 21 पर क्या है, 21 पर देखिएगा तो भी, 12 पर M, 22 पर है W, 10 पर K, और 14th पर क्या है O। तो इस तरह से हमारा जो साइफर टेक्स्ट मिला यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इसको हम इरेज कर देते हैं इधर, है ना, जो साइफर टेक्स्ट मिला, प्लेन टेक्स्ट तो नॉलेज था कि हमारा काइट था, और साइफर टेक्स्ट जो मिला हमारे पास, साइफर टेक्स्ट क्या मिल गया, यू भी एच ए वी एम डब्लू के ओ, ये हमारा साइफर टेक्स्ट मिला। अभी साइफर टेक्स्ट को वापस से डिक्रिप्ट करना है और प्लेन टेक्स्ट को गेट करना है, है ना, ये साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट का ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो जो यूजर होगा, जो रिसीवर होगा, रिसीवर के पास क्या क्या होगा, ये साइफर टेक्स्ट होगा और ये की वाला वैल्यू होगा, ये प्लेन टेक्स्ट वाला वैल्यू उसके पास नहीं होगा, ये उसको फाइंड करना, यानी 10 13 14 फाइंड कर लेगा, उसके बाद मैप करके वो लिख लेगा। तो हमारे पास जो रिसीवर है, उस रिसीवर के पास ये वाला वैल्यू है यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे वाला वैल्यू है, ऊपर वाला वैल्यू नहीं है,
ये दोनों वैल्यू है साइफर टेक्स्ट और की, इसको यूज करके उसको करना। कैसे करेगा? तो अभी अभी यहाँ पर अब इसने ये फॉर्मूला यूज करना है सी माइनस के, तो सी माइनस के करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वापस से हम यहाँ प्लेन टेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं, तो सी, सी का वैल्यू है 20 और की का, के का वैल्यू है 10, 10 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, और मोड 26, तो 20 माइनस 10 10 प्लस में 10 आएगा, है ना। अगर निगेटिव में आएगा तो याद रखिएगा निगेटिव को पॉजिटिव करना होता है, और पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि कोई भी वैल्यू जब निगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 26 के टेबल में जस्ट उससे बड़ा वैल्यू ढूंढेंगे और उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, देन उसका मोड 26 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो पॉजिटिव ही आ गया ये 10, तो 10 मोड 26, तो ये तो पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट हम मोड 26 करेंगे, तो रिमाइंडर में हमको क्या मिल जाएगा 10। इसी तरह यहाँ पर देखिए तो 21 माइनस 8, तो 21 माइनस 8 करिए, 11 में से 8 गया 3, है ना, और ये एक 13, तो 13 मोड 26 13 ही बच जाएगा। यहाँ देखिए 7 माइनस 19 यहाँ आ गया, एक वैल्यू आया अभी हमारे पास जस्ट 7 माइनस 19, 7 में से 19 माइनस करेंगे साइफर टेक्स्ट में से की, और मोड करेंगे 26। इसको कीजिएगा 7 माइनस 19, तो माइनस में साइन वैल्यू आ जाएगा, माइनस में, माइनस में क्या आ जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2 और 1, माइनस 12 आ जाएगा। हम बोले हैं कि माइनस 12 का मोड 26 नहीं करना है, इसको पॉजिटिव, तो 26 के 26 के टेबल में जस्ट इससे बड़ा कौन आएगा, तो 26 का पहला जो मल्टीप्लीकेटिव वैल्यू है 26 वही है, तो इसको हम पहले 26 में से इसको 12 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से गया 1 14, फिर इस 14 को मोड हम 26 करेंगे तो ये 14 ही बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 14। ए 0 माइनस 4, 0 साइफर टेक्स्ट माइनस की, 0 माइनस 4 माइनस 4, तो माइनस 4 है तो इसको भी 26 में से करेंगे माइनस, तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ बच गया 2, तो 22, तो इसका क्या आ जाएगा 22, इसका मोड 26 की जाएगा तो 22 ही रह जाएगा। यहाँ देखिए 21 माइनस 10, तो 11 पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हमारा 11 मोड 26 11 ही हो जाएगा। 12 माइनस 8 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 का 26 मोड करिएगा तो 4 ही रिमाइंडर बच जाएगा। 22 माइनस 19, तो 22 माइनस 19, तो 12 में से 9 गया तो बचा 3, है ना, और एक का एक ख़त्म, तो यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या है 10 माइनस 4 6, और यहाँ पर है 14 माइनस 10, तो 4। अब आप इसको मैप कीजिए तो 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का आप देखिएगा तो K, ठीक है, 13 का देखिएगा 13 का N, 14 का देखिएगा 14 का O, 22 का W, 11 का L, 4 का E, 33 का थर्ड का D, 6 का G और 4 का E, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका साइफर टेक्स्ट फिर से वही आ गया, और प्लेन टेक्स्ट K N O W L E D और G और फिर E, नॉलेज। तो इस तरह से हमारा सेकेंड मेथड बाय यूजिंग हमारा फॉर्मूला हम कन्वर्ट करते हैं, इसमें टेबल का यूज नहीं होता। तो पहला जो मेथड था उसमें टेबल यूज होता है, दूसरे मेथड में हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, दोनों मेथड हमने बता दिया। तो ये दोनों मेथड किसके थे, विजनेयर साइफर के, ठीक है, जो कि पोली अल्फाबेटिक का टाइप है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्नम साइफर करेंगे, तो विजनेयर साइफर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।